सो जब कभी आपको मीठा खाने का मन हो तो एक बार ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर बनाएं। ये रेसिपी बहुत यम्मी तो होता ही है, साथ ही साथ बहुत जल्दी भी बन जाता है। सो रेसिपी जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जार लेना है, इसमें लेना है 2 बड़े चम्मच सूजी और 2 बड़ा चम्मच चीनी। देन आपको केला लेना है, आप अपने फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग लीजिएगा, मैं यहाँ 2 ले रही हूँ। और इसको छोटा पीस में कट करके डालेंगे और फिर 1 ग्लास दूध भी हम डालेंगे और फिर इन सबको हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। आप अपने फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग क्वांटिटी का कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से ये ग्राइंड हो गया है, ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, मीडियम होना चाहिए। फिर अब हम लेंगे एक कंटेनर, उसमें डालेंगे हम 2 बड़ा चम्मच मैदा और फिर जो अभी हम शेक रेडी किए थे इसमें हम डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम इलायची और नारियल, आप अपने मन मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। और फिर 10 मिनट तक इसको हम कवर करके रख देंगे। फिर फ्लेम ऑन करेंगे, कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे रिफाइन और 2 से 3 मिनट तक इसको हम गर्म होने देंगे। और जब ये गर्म हो जाए तो जो हम बैटर रेडी किए थे अब इसमें हम डालेंगे। इस तरह से आपको डालना है और इसको दोनों साइड से अच्छे से पका लेना है। तो एक एक करके आपको सबको ऐसे डालते जाना है और फिर इस तरह से हम दोनों साइड से इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे। देखिए कितना अच्छा ये फूल गया है। सो इस तरह से आप एक बार घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। सो फाइनली केला का मालपुआ हो गया रेडी। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।